अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमाज किचन से साइमा खालिद। आज हम बना रहे हैं मुर्ग चने, लाहौरी मुर्ग चने। बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चने एक पाव रात के भर भगो के मैंने रख लिए हैं और इन्हें अब सुबह मैंने उठ के अच्छी तरह वॉश किया है और इसमें 2 लीटर के करीब मैंने प्रेशर में पानी डाल दिया है। आधी चम्मच हल्दी जाएगी, 1 चम्मच नमक जाएगा, लहसुन जाएगा, 1 पोथी और गरम मसाला जाएगा जिसमें काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 तेज़पत्ता और 1 पाव चने डाल के इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं। इसे मैं आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा दूंगी। आधे घंटे के बाद हमारे चने अच्छी तरह गल जाएंगे, हम दूसरी तरफ अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक अलहदा मसाला है जो मुर्ग चनों के लिए बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं। 2 कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें खुला घी या ऑयल डालें, प्याज़ों का पेस्ट इसमें डाल के घी गर्म होने के बाद फ्राई करें और इसे हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाएं। जब हमारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 1 चाय के चम्मच अदरक और 1 चाय के चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के हमने अच्छी तरह प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इनकी स्मेल ना आए, अदरक लहसुन से स्मेल ख़त्म हो जाए। दोनों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हमने इसमें 1/2 किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लेना है। धो के मैंने इसे फ्राई करना है। इसे ड्राई करने के बाद इसमें फ्राई करने के लिए डाल देते हैं और साथ ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि इसमें फ्लेवर रहे। और हमने इसे इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए और इसकी अदरक लहसुन के साथ इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, या हमारी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो हमारा सालन भी बहुत ही मज़े का बनेगा। चिकन की स्मेल नमक के साथ ही जाएगी और घी ज़्यादा होगा तो बहुत ही अच्छा सालन बने। 2 बड़े प्याज टमाटर लेके मैंने इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और वो भी इसके अंदर ही हमने साथ साथ हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते रहना है ताकि हमारे अदरक लहसुन भी ना जले और हमारे प्याज भी ना जले और हमारा चिकन भी फुल डन हो जाए। इसमें साथ ही हम मसाला जार डाल लेंगे, आधी चम्मच सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ जीरा सूखा धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच लाहौरी मुर्ग मसाला जो हमने खुद तैयार, जिसमें हमने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पात, सूखा धनिया, जायफल जावित्री का पाउडर डाल के हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी पीस ली हैं और ये भी इसके साथ ही जाएगा। ये सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरह भून लेना है। हमारे चने फुल डन होने चाहिए, इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए, ना 1 कनी ना 2 कनी, फुल डन चने रखने। मसाला भूनने के बाद इसमें टमाटर साथ ही भून लेंगे और साथ साथ पानी का छींटा लगा के मसाला बनाते जाएंगे और फिर जब मसाला बन जाए तो इसमें उबले हुए चने डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसमें से चनों में से जो पानी होगा वो हल्का हल्का छींटा साथ साथ लगा के भूनते रहेंगे ताकि ये मसाले का फ्लेवर भी हमारे चनों के अंदर चला जाए और चने बहुत ही लजीज बने। इसे हमने पानी का छींटा लगाते रहना है और 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते रहना है। इसको फ्राई करते रहें और साथ साथ छींटा लगाते रहें। जब हमारे चने अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो हमारा बकिया सारा पानी इसमें डाल के और जो आपको पानी शोरबे के लिए चाहिए हो वो ज़्यादा डाल के आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी तैयार कर लें। कम चाहिए तो इतना ही रहने दें, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने घर के मुताबिक पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार कर लें। लाहौरी मुर्ग मसाले के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं बता रही हूँ। 2 दालचीनी की स्टिक्स जाएंगी, 1 तेज़पत्ता जाएगा, 1 चम्मच जीरा जाएगा, 1 चम्मच सूखा धनिया जाएगा, जावित्री जाएगी, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची जाएगी। ये सारी चीज़ें मिला के आपने अच्छी तरह पीस लेनी है और ये हमारे चने अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और इसमें मसाला रच बस गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देती हूँ, 1-1 चम्मच, आधी छोटी चम्मच मैंने पुदीना डाल दिया है बारीक क्रश करके और 1 से 2 चम्मच मैंने हरा धनिया डाल दिया। आप इसमें 1 से 2 चुटकी कसूरी मेथी डाल दें और मैंने 1/2 चाय के चम्मच काली मिर्च को मोटा मोटा पीस लिया है और इसमें 1 से 2 चुटकी मैंने जायफल पाउडर मिला दिया है। ये सारा कुछ मिला के आखिर में हमने कवर कर दिया है, 2 मिनट दम दिया है। दम देने के बाद ये मैं डिश आउट कर दिया है। ये हमारे लाहौरी मुर्ग चने बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसके साथ उबले हुए अंडे
काट के लगाए हैं। आप भी अगर पसंद करें तो उबला हुआ अंडा साथ रख लें, इससे बहुत ही शानदार आपका फ्लेवर कर मुर्ग चने तैयार होंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके नान के साथ सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।